हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 2 की पर्यावरण अध्ययन की वीडियो की सीरीज में अवर क्लोथ्स यानी कि हमारे वस्त्र विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, मुझे ये बताइए कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं। हम कपड़े स्वयं को गर्मी, बारिश, सर्दी और धूल से बचाने के लिए पहनते हैं। इसके साथ ही कपड़ों में हम सुंदर और आकर्षक दिखते हैं। हर मौसम के अनुसार अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। बच्चों, क्या आपने सर्दी और गर्मी में एक जैसे कपड़े पहने हैं? नहीं ना, तो आइए देखते हैं। गर्मी के मौसम में हम हल्के सूती कपड़े पहनते हैं। सूती कपड़े हमें ठंडा रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके पापा कुर्ता पजामा पहनते हैं, मम्मी सूती साड़ी पहनती हैं, और आप लोगों के पास तो सूती फ्रॉक ज़रूर होगी। अच्छा लगता है ना, गर्मी में सूती कपड़े पहन के हमें ठंडक मिलती है। और आपको पता है, ये सूती कपड़ा कपास से बनता है। सर्दी के मौसम में हम कोट, जैकेट और स्वेटर पहनते हैं। ऐसे कपड़े सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। स्वयं को गर्म रखने के लिए हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, और ये कपड़े ऊन से बनाए जाते हैं। ये ऊनी कपड़े होते हैं, जैकेट, दस्ताने, ऊनी कोट, टोपा, गरम जुराबें। तो बच्चों, ये सब कपड़े आप भी पहनते हो ना सर्दियों के मौसम में। अब आगे देखते हैं कि हम बारिशों के मौसम में किस तरह के कपड़े पहनते हैं। बारिश के मौसम में हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कि हमें बारिश से बचाएं। ऐसे मौसम के लिए रेनकोट और गम्बूट होते हैं। ये हमें बारिश से बचाते हैं और सूखा रखते हैं। हम स्वयं को बारिश से बचाने के लिए छतरी का भी प्रयोग करते हैं। बच्चों, आप देख रहे हैं ना सामने चित्र में, एक छोटी सी लड़की ने रेनकोट, गम्बूट और छतरी दोनों ले रखी है। तो इस तरह से आप भी अपने आप को बारिश से बचा सकते हैं। विशेष अवसर पर हम रेशम से बने कपड़े पहनते हैं। रेशम के कपड़े बड़े चमकीले और मुलायम होते हैं। यह कपड़े रेशम के कीड़े से बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे अलग अलग राज्यों की वेशभूषाओं की। किसी स्थान विशेष के लोगों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को उस स्थान की वेशभूषा कहते हैं। आप सामने चित्र में देख रहे हैं एक मूछों वाले अंकल को और उनके साथ सुंदर सी दुल्हनिया को। यह पोशाक है राजस्थान की। ये जो चित्र में आंटी खड़ी हैं, ये भी राजस्थानी घाघरा पहने हुए हैं। इस चित्र में देखिए गुजराती चनिया चोली पहने हुए अंकल जी, या दक्षिणी भारत के हमारे अंकल और आंटी खड़े हैं। यहाँ साथ आप देखेंगे कि एक बहुत ही प्यारे से दुल्हा दुल्हन है उत्तर प्रदेश को दर्शाते हुए। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों की अलग अलग वेशभूषा है। इस चित्र में देखें तो पंजाब के अंकल आंटी खड़े हैं, या महाराष्ट्रियन साड़ी पहने हुए एक आंटी और एक अंकल खड़े हैं, या आप इधर देखें तो कश्मीरी ड्रेस में भी खड़े हैं। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों की अलग अलग सुंदर वेशभूषाएं हैं। ये वेशभूषाएं वहाँ के पर्यावरण, वहाँ के मौसम और वहाँ के आचार विचार के अनुसार होती हैं। वे कपड़े जो हम नृत्य, खेल, फिल्म या तैराकी आदि विशेष उद्देश्यों के लिए पहनते हैं, उन्हें भी वेशभूषा या पोशाक कहा जाता है। जैसे कि ये कथकली डांसर की पोशाक है, या अगर हम स्विमिंग करने जाते हैं, ये तैरने जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये पोशाक पहनी जाती है। आप ये देख रहे हैं जादूगर की भी अपनी एक अलग वेशभूषा होती है। कैसा लगा? अब आते हैं हम वर्दी के ऊपर। कुछ विशेष कार्य करने वाले लोग विशेष प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। इन कपड़ों को वर्दी कहा जाता है। इस चित्र में आप देख रहे होंगे बीच में एक डॉक्टर और एक महिला डॉक्टर खड़ी हैं। इन दोनों ने सफ़ेद कोट पहना हुआ है। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हम देखते हैं ना, जिन्होंने भी सफ़ेद कोट पहना होता है, हम पहचान जाते हैं कि ये डॉक्टर हैं। इसमें एक कोने में खड़े हैं हमारे पायलट जी, और दूसरे कोने में खड़ा है हरे रंग की वर्दी पहने डाकिया। अरे बच्चों, आपकी भी तो स्कूल की वर्दी होती है ना। इस चित्र में बीच में सैनिक खड़े हैं, एक तरफ हमारे एयरफोर्स के सैनिक और एक तरफ हमारे नेवी के सैनिक। यह चित्र
तीनों सेनाओं की वर्दी को दिखाता है। अब आप देखेंगे एक तरफ इसमें लॉयर हैं यानी कि वकील जो काला कोट पहनते हैं, बीच में देखिए प्यारी सी नर्स, और एक तरफ है हमारी पुलिस की महिला कर्मी। तो आइए बच्चों अब देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। इस चित्र में हम देख रहे हैं तीनों अलग अलग मौसम में पहने जाने वाले कपड़े। तो सूती कपड़ा कुर्ता पैजामा कब पहनते हैं? गर्मियों में। और जो बीच में कोट है ये कब पहना जाएगा? सर्दियों में, क्योंकि ये है ऊनी। और ये देखिए चित्र में जो हम छतरी है या रेनकोट है या गमबूट लिया हुआ है इस बच्चे ने, ये कब पहनते हैं? अरे वाह, बिल्कुल सही, बारिश के मौसम में। ये देखिए अलग अलग राज्यों की वेशभूषाएं आप इसमें देख रहे होंगे। बीच में राजस्थान के वेशभूषा है, एक तरफ पंजाब के वेशभूषा है, एक तरफ आप देखेंगे तो हमारे दक्षिण भारत की वेशभूषा है। अब बात करते हैं हम वर्दियों की, ये भी तो हमने सीखी थी। तो बीच में देखिए डॉक्टर है सफ़ेद कोट वाला, या आपकी अपनी खुद की स्कूल के बच्चों की वर्दी है। आप देखेंगे नर्स भी है सफ़ेद कपड़ों में, बीच में हमारे सैनिक खड़े हैं और एक तरफ हमारी महिला पुलिसकर्मी हैं। तो आपने देखा किस किस तरह से कौन सी अलग अलग वर्दियाँ होती हैं। इन वर्दियों को पहनकर आपको एकदम गर्व महसूस होता है कि हम ये कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली एक वीडियो सीरीज में, जिसमें हम और अलग अलग विषयों पर बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।